बात करते हैं इस्लामाबाद से, जहां वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि अगले 15 से 20 रोज़ में पाकिस्तान में रूसी तेल होगा। निजी टीवी के प्रोग्राम में खसूसी गुफ्तगू करते हुए मुसद्दिक मलिक का कहना था कि सियासी जमातों के दरमियान तनाज़ात को थमना होगा, रुकना होगा। ऐसे तो करियाना की दुकान नहीं चलती, आप मुल्क कैसे चला सकते हैं। उन्होंने कहा कि गैस पर 1700 अरब का गर्दशी कर्जा था, हमने इस गर्दशी कर्जे को सिफर कर दिया। LNG पर भी गर्दशी कर्जे को सिफर कर दिया गया। तारीख में पहली बार 2 रूसी वजीर 86 रुकनी वफद के हमरा पाकिस्तान आए, रूस से रियायती कीमत पर तेल मिल रहा है। वज़ीर मुमलिकत का कहना था कि हुकूमत की जानिब से अहम फैसले किए जा रहे हैं, हालात को बेहतर करने के लिए मुश्किल फैसले किए जा रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें छोटे कारोबार करने वालों को प्रमोट करना है, बजट में छोटे कारोबार करने वालों को सहूलतें देने पर गौर कर रहे हैं। हमने तापी गैस मंसूबे से सस्ती गैस लानी है, इस पर तेजी से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आटू मोटू पॉलिसी को बनाए कई साल हो चुके, आज तक हम एक कार्गो भी एक्सपोर्ट नहीं कर सके। मेरे ख्याल में हमारी आटू मोटू पॉलिसी बेहतर नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम का मजीद कहना था कि इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डलवा दिए हैं। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान के अकाउंट में आने थे। आइन से माहिर और कानून से बालतर कुछ नहीं। 9 मई की वीडियोस के जरिए लोगों की शिनाख्त करके पकड़ा जा रहा है। नादरा से तस्दीक के बाद लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है।